तो अभी हम दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा, ठीक है जी। ये है रिमाइंडर्स के क्वेश्चन, तो ये दोनों क्वेश्चन कैट आईपी मैट और एसएससी टायर 2, ये तीनों एग्जाम्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन। उसके लिए आपको बहुत तरह के लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। उनमें से एक लॉजिक जो मैं बच्चों को कई बार बताता हूं वो ये है, अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर 48 है, ठीक है, पहले बेसिक समझ लीजिए फिर 16 करवाऊंगा। मैंने कहा 48 को 15 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा, बोलो? 3 रिमाइंडर आएगा, 15 तीन 45 होता है, 3 रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर लिखा है मैंने, क्वेश्चन नहीं लिखा है यहाँ पे, तो 3 रिमाइंडर आएगा। लेकिन एक बच्चा कहता है नहीं मैं काम करता हूं पहले ना कट कर लेता हूं अगर जिसपे कट हो जाए ताकि मेरा क्वेश्चन छोटा हो जाए। वो क्या करता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर देता है, मतलब 3 पे कट कर देता है क्वेश्चन। तो 3 × 16 48 और 3 × 5 क्या हुआ 15। तो हमारा अब क्वेश्चन क्या रह गया, 16 / 5। अब बताइए 16 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? यस, 16 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आया। लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए था, तो गड़बड़ कहां हो गई? गड़बड़ नहीं हुई, हमने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाया, हमने 3 पे कट कर लिया था, अब उसकी वजह से 1 रिमाइंडर आ रहा है। तो आपने बैलेंस करना है उस चीज को, आपने 1 से वापस, आपने 3 से वापस, 3 पे काटा था ना, मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको आपका एक्चुअल आंसर मिल जाएगा। तो पहले तो ये बेसिक पकड़ना है, ये मैंने बताया भी था जब मैंने रिमाइंडर की बेसिक क्लास ली थी। अब तो एडवांस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो क्वेश्चन क्या, आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसी में ये फंडा लगाने वाले हैं। 2 की पावर 96, क्या है क्वेश्चन? 16, 2 की पावर 96 / 96। अब ये सोचना कि 2 की कौन सी पावर 96 से प्लस 1 या माइनस 1 देगी, वो तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ये 96 का आपको टेबल तो आता नहीं है, कितना टेबल आप कर लोगे? नहीं, तो कुछ काटने की कोशिश करो। अगर आप ध्यान से देखो 96 ना 32 पे कट होता है, 32 × 3 होता है, पर 2 की कौन सी पावर 32 होती है, सोचो, 2 की 5। तो मैं क्या करूंगा, अपने क्वेश्चन को ब्रेक कर लूंगा, 2 की 96 को मैं किसमें ब्रेक कर लूंगा, यहाँ पे देखना, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 2 की 96 को मैंने 2 की 5 × 2 की 91 में ब्रेक कर लिया, और नीचे क्या बेटा 96। तो लॉजिकली मैंने 32 पे काटा, 32 एकम 32 ऊपर, 32 × 1 = 32 and 32 × 3 = 96। लॉजिकली मैंने किस पे कट किया, 32 पे कट किया। तो जो मेरा एक्चुअल, देखो ये माइंड में रख लेना, आपने जिस पे भी कट किया 32 पे कट किया ना, तो फाइनल जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या रह चुका है, हमारा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये रह चुका है सिंप्लीफाई होके, 2 की 91 / 3, क्योंकि आपने 32 पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट कर दिया है ना। अब तो वही रिमाइंडर के बेसिक क्वेश्चन, 2, 3 से कितना रिमाइंडर देता है, -1। जैसे ही +1 या -1 आ जाए क्वेश्चन वहीं पे खत्म ही हो जाता है। 2, 3 से कितना रिमाइंडर देता है, बोलो? -1। -1 कितनी बार? -1 को जब 91 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ऑड पावर है तो -1 आया, ठीक है। -1 रिमाइंडर आने का क्या मतलब है, किसी नंबर को, ठीक है, 3 से डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर आ रहा है। तो प्लस में क्या होता है ये भी बताया हुआ मैंने, डिवाइजर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उस नेगेटिव रिमाइंडर में, तो प्लस का रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 की पावर 91 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो? प्लस का 2 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो? प्लस का 2 आएगा। तो क्या ये प्लस का 2 हमारा एक्चुअल आंसर है, बैलेंस भी मेंटेन रखना है। आपने किस पे कट किया था, 32 पे, तो जो आपका एक्चुअल आंसर होगा, वो जो 2 आया आंसर, उसको 32 से और मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिल जाएगा, बोलो? 64। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, 64। सबको आ गया समझ अच्छे से? अब एक और ऐसा क्वेश्चन है आपके इस असाइनमेंट में, ठीक है, अलग अलग टाइप्स है ना, उनमें एक क्वेश्चन और डाला हुआ मैंने, कौन सा था, 22nd, क्या था, 22nd क्वेश्चन क्या है,
आप 5 की पावर 500 डिवाइडेड बाय 500, तो ये सोचना यार 5 की कौन सी पावर 500 से +1 या -1 देगी, 500 से +1 या -1 देगी, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमें 5 की कुछ पावर्स को 500 के साथ 500 के साथ कट कर देना पड़ेगा। सोचो क्या कट होता है, 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5 क्यूब अलग कर लेना, तो 5 क्यूब अलग किया और रह क्या गया 5 की पावर 497, नीचे 500 है। अब आप आंसर जो दोगे, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा हिंट दे दिया आपको। थैंक यू।